मैं करूँ क्या नीचे मार मार को क्यों तो आज है दूध चाय बटर बटर इसका नहा क्या हो गया और टेक्नीशियन ना ही नहीं बैठी है गाइस ये इंसान कल से नहीं नहाया है कल से नहीं आया है कल से नहीं आया तेरा नाम से देख क्या कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग सब अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, एक मिनट, और आज है संडे तो सबको हैप्पी संडे। हेलो गाइस, कौन हूँ मैं? तू कौन है? इंटरनेट मास्टर, टेक इट ब्लू। और कल मार देंगे तेरे को। और कल एक बहुत बड़ा काम हुआ। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? मम्मी का ऑनलाइन पैन कार्ड आया नया। ये ए चल तू खींच के भेज उसको, चिल्लाएंगे तो। चले तो चले गाइस, मॉर्निंग हो गया मेरा, नहा के शैम्पू की। मेरा मॉर्निंग नहीं हुआ, अभी नाइट चल रहा है। इन शैम्पू की आज मैं बाल को बजा पानी निकालने के लिए रख के। हाँ आप भेज दे। ओ मेरी मम्मी क्या कर रहे हैं? और गाइस उधर एक गिद्धौर है, दो दिन से नहीं आए। तू बहुत मजा की, उल्टा सीधा करते है, मुंह बंद अभी। और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। आज तो चलिए संडे का क्या कर रहे हो क्या नहीं, पूरा दिन बता रही, पूरा दिन क्या होएगा क्या नहीं। हाँ अभी मैं पहला नाश्ता करके लूँ, नाश्ता पानी करके जाओ, पहला मैं रगड़ा बनाऊँ, चिकन रगड़ा बनेगा, रगड़ा बनाऊँ फिर जाके चिकन लेके आए काली, फिर चिकन को मैरिनेट करूँ, करके रखूँ, चिकन का क्या बन रहे बाद में देख लूँ। आज चिकन बनेगा और चिकन डाल के रगड़ा। तो चलिए मैं पहला चाय पी लूँ, पी के फिर जा रूँ। और मैं डाब शैम्पू लगाना, डाब शैम्पू लगाने से ना मेरा सिर में ना खुजली बहुत जास्ती हो जाता है, बहुत खुजाते रहता है। और हेयर ऑयल सोडल लगाना उसमें कुछ भी नहीं होता, डाब शैम्पू से स्किन खुजाता है मेरी जास्ती। तो चलिए मिल रूँ, बहुत घिरी जाता था अभी, भूख लग गया बहुत। पहला नाश्ता करके लूँ फिर मिल लूँ, चाय बिस्किट खा लूँ फिर बाकी काम करो। दो तेज पत्ता, एक ही तेज पत्ता डाले। अच्छा ये बन रहा है रगड़ा, चिकन रगड़ा बनेगा। चलिए वैसे हो गया तो इसमें डाल देंगे मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालेंगे बस। और पाउडर मसाला,
थोड़ा सी पानी डालेंगे जाते मसला जल लेना। अरे देखिए, और अगड़ा का बटाटा मैंने ऐसा छिलका छिलका वाला समेत रख के आका बॉयल की इसको हाथ से ऐसा तोड़ के डालेंगे ना, इसका टेस्ट अलग ही आता है। और इधर थोड़ा सी ये चिकन ली जो रहता ना क्या एकदम चिकन बोला हाँ बिगाड़ हड्डी वाला बॉयलेस वो ली, तीन पीस ही ली ज़्यादा। इधर है मेरा चिकन जो आज चिकन बनेगा वो इधर अभी धो धा के रखी, अभी इसको मैगनेट करने के लिए रखूँगा। और इधर है रगड़ा जो टमाटर वमेटर डाल के बॉईल करके रखी। अब इसमें डाल देंगे बटाटा। देखिए बटाटा आधा आधा थोड़ी अभी ऐसा कर करके भूजना, पूरा नहीं तोड़ने का। मैं आज अलग तरीका से बना रही इसको, फिर से कुकर में डाल देंगे जाते और थोड़ा सीटी लगे तो ये पक जाए। वो कपड़ा का कौन सा पोछने के लिए। तो गाइस इसमें सब डाल दी, नम कोतुम्बीर और गरम मसाला भी इसको, और दो तीन सीटी लगा लूँ बस हो जाएगा, क्योंकि मेरा बटाना सही से पका नहीं, इसके लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ये हो जाएगा, फिर मैं चिकन मैगनेट कर लूँ। तो चलिए गाइस इसको चिकन को मैगनेट करने के लिए रखो, इसमें डाल देंगे चिकन मसाला पूरा ही डाल देंगे, नमक डाली आलू रुक जा, नमक काला मिर्च पाउडर और थोड़ा सी इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट बस, और कुछ नहीं, इसको मैगनेट करके ऐसे रख दे। चलिए गाइस चिकन फ्राई कर, चिकन मैगनेट करने के लिए रख दी मसाला लगा के, अब इसको फ्रिज में रख दो, ये मैग्नेट होते रहे जब खाना खाने का तब। क्या हो रहा है इकड़ा से आज छुट्टी में, मुंह तो इधर देखा, मैं इधर कर रहा हूं मेरे नाए बाबा हेलो, तो बिनाए करे जाता है क्या, नादा के सब काम करता है। मैं नादा के मैं उधर को गाइस उधर गाइस ये मैं इधर पकड़ गया ऐसा मार रहा था। अब इधर कपड़ा पड़े झाड़ू डालने के लिए, थोड़ा गिल्ला कपड़े से पोछ लेंगे क्या, हाथ नहीं जाएगा क्या, ये मेरा फॉर्मूला है क्या डाल, हाँ जा बहुत फॉर्मूला ये सब ये पन्ना देना बाद में पोछे से पोछ ले, वो आपने पोछा है ना उससे रब कर ले हो जाएगा, जितना हाथ जाएगा उतना ही है कर, और ऊपर हाथ नहीं जाएगा तेरा। ये देखिए दीवार में पेंट तो करना पड़ेगा, अब तो सीढ़ी नहीं है ना, ये दीवार हां कर दी वैसे सीढ़ी नहीं है ना, नहीं बड़ा स्टूल भी नहीं है, किसके पास में भी नहीं है, चल कर ले आज संडे का यही हो रहेगा, बड़ा स्टूल बड़ा है गाला का डंडी है ना, हाँ उससे पोछ लेने का। इधर देखो इधर सब पानी मार रहा, नहीं बाबा आई क्या, अरे पोछने के तो ये करना पानी मार के रख रहे साबुन पानी, सब साबुन पानी गिरा नीचे करने दो इन लोग को। वाटर लेके देखिए यो गाइस अभी मैं जा रहा हूं काम, हां और ये मैंने
बाकी है, अभी भी बाकी है, नीचे का बाकी है, ये कर लेंगे। सॉरी सॉरी, सबो ये दरवाजा को कर लेने का। सुनी वो दूसरा भी गिल्ला है, कौन गिल्ला कर रहे बाबाई, चल जल्दी बहुत गर्मी हो रही है। ये चालू कर पंखा, ये दीवार भी हो गया पूरा, ये दीवार पूरा हो गया, ये भी हो गया, ये दीवार पूरा हो गया। अरे यार पंखे नहीं थे, ऊपर का भी हो गया ना, ऊपर का भी सब हो गया। ये देखो इतना से कर लिया, ये सब ना, ये सब चला जाएगा सब। वो जब लादी पोछेगी ना, उसका जो पोछा है ना, उससे पोछ लेने का सब निकल जाएगा। इधर का बाकी है, देख इधर का कारपेट बाकी है, इधर का कारपेट मैंने रगड़ा सब कारपेट, ये कारपेट को भी एक दिन रगड़ देना पड़ेगा, आज ही रगड़ दे, ये बेड पे रगड़ दे, पूरा फैन आज ही पूरा कैंटा। ये लिया केबल का सब, ऊपर तक जाएगा। ये ले रहे हैं, ये तू सब बोल दीवार में तो तू कर, तो चले मैं बैठी हूँ चावल लेके, उधर दाल बैठा के चावल चुन लूँ, फिर चावल बैठाएंगे, तब तक दाल बॉयल हो जाएगा, दो सीटी लगेगा तो दाल हो जाएगा, फिर चावल होएगा, चावल चुन कर बहुत टाइम हो गया। लड़की उधर वो साफ कर रही, वो साफ उप करके जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि फिर नहा के आकर ना ये सब काम करेंगे ना, फिर गंदा हो जाएंगे, पूरी गंदी होकर बैठे रहेंगे। इसके लिए मैंने बोली पहले पोछ उछ के उसमें धो ले वो कपड़े को डुबा के, देख निचोड़ अच्छे से निचोड़, निचोड़ के फिर पोछ फिर दो। अरे वो नहीं, निचोड़ के ये पोछ दीवार को, ये तो काला काला हो गया ना जो, वो निकल जाएगा। हाँ देखी, ऊपर तक कर, हाँ आज उसका छुट्टी है, इसके लिए मैंने लिए काम कर, आज घर का छुट्टी, घर का काम का छुट्टी। ये भी लेके जाने बोला, वो देख बाहर काटर था ना, हाँ एक है मेरा था, मेरा वाला लियो ना, तेरा पापा का, क्या पापा का भी लिया, तो उतना बड़ा क्यों लेके आ रहे, नेट का वर लेके नहीं जा रहे। चलिए ये करके ले, यहाँ पे हमारे अली रिया के बीच, ये दो फूल के बीच में एक माली क्या करे, एक फूल दो माली, वाह वाह सॉरी, जरा दिखाओ अपनी छोबड़ शक्ल, दिखाओ पोज प्लीज, पोज पोज, अरे तुम लोग की शक्ल एक नहीं है, हाँ मस्ती जोड़ी है, भागी गई जरा जगह में आपने, चले 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 दाल फोड़नी लगाने का, तड़का लगाने का, मसाला वाला दाल बन रहे, इधर अदरक लहसुन चप गया, कांदा एक टमाटर और एक ही हरा मिर्ची डाले, ज़्यादा कुछ नहीं, तेल में डाल दी जीरा, मेरा कांदा हो गया, टमाटर इसमें डाल देंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, क्योंकि मैं पाउडर डाली, ये आका सब डाली ना बारीक काट कुट के, उसके लिए मैं कम डाल दूँ,
और इधर हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसको होने दो चॉक अच्छे से। और इधर है मसूर की डाल, हरा मिर्ची जो था वो डाल दी, डाल डाल दी, फिर कोतम्बी डालेंगे, पानी डालने का डाल में। कोतम्बीर भी डाल दी, अभी ये होते रहे, बॉयल हो जाएगा तो मेरा दाल बन के तैयार। चिकन भी निकल के लिए बाहर, इसको फ्राई करने का। अरे देखिए रगड़ा बनाए आज नसीब में, नाश्ता ही नहीं जुटा, ठीक है नाश्ता करो। देखिए चिकन की माँ रगड़ा बनाई, ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, कितना काम करे हम लोग जो उसके लिए रगड़ा खाएं। चलिए रगड़ा ले ले, कांदा डाल दी, काकड़ी डाल दी, नींबू भी डाल दी। हस्बैंड घर पे आ गए खाना खाने के लिए, वो खाना खा रहे, खाए हम लोग के खाओ। अभी बनेगा चिकन पूरे, देखा मिक्स जाएंगे 4:30 बजे जो टाइम पे आते हैं तो आने दे जल्दी। हाँ कलेक्शन है तो आज जल्दी गया था। हाँ इसको ढक ढक के पकाना पड़ता है तो अच्छा पकता है। कितना फ्राई की देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ढक ढक के लाल लाल चिकन फ्राई हो। इधर बन गया हमारा तेज डाल, मसाला वाला डाल। देखिए चावल ले ली, इसके साथ नींबू, तो हमारा चिकन इज रेडी। और हम सब खाना खाने जाएंगे, हम नहीं खाने जाएंगे, हम सिर्फ चिकन खाएंगे। तो चलो फिर बाहर दिखा दे, चलो नहीं चिकन तो चलो खाना खा लो फिर मिल लो। तो खाना हो गया हम लोग का गाइस, हम इतना खा रखे हैं कि पहला हम लोग ने क्या हुआ, आज ये सब साफ कर रहे थे ना पूरा, ये सब साफ करते करते बहुत टाइम हो गया था। फिर हम लोग नाश्ता भी नहीं किए, जो रगड़ा बना के रखी थी, रगड़ा पाव मंगाई थी, वो सब खा ही नहीं पाए, वो सब अभी 2:30 बजे खाए हम लोग, 2:30-3 बजे 2:30 बजे वो रगड़ा पाव खाई, फिर जाके अभी 4 बजे जाके अभी खाना खाई। और हस्बैंड भी आ गया था आज 2 बजे 2:30 बजे 2:30 बजे आ गया था, वो इधर आया था दवा खाने में ये करने के लिए, सुई लगाने के लिए तो आता है सुई लगाने के लिए इधर। डॉक्टर कौन? भानुशाली क्या मान विजय था, तो उसको डॉक्टर से सुई लगाया थोड़ा इधर का, और ये करके फिर घर पे आए, बोला मेरे को भूख लग गया, खाना कुछ भी है तो दे दे। उनका डब्बा उधर ही रह गया, कंपनी में डब्बा है, तो बोला जान दे वो डब्बे का, रोटी मैं रात को खा लेंगे।
और तब भी मैं डाल रहे, तब भी आज सब लेट ही हो रहे थे काम, तो मैं तब भी डाल बैठाई। मैंने बोली रुको डाल बॉयल हो जाने दो, फिर देर फिर फटाफट डाल लिए कि फिर गरम गरम ही उतर के, गरम चावल एकदम गरम था, डाल गैस से वैसे ही बॉयल हो रहा था वैसे ही उठा के दी, फिर ठंडा करके दी, खाया, खा पी के एक घंटे तक सोया, फिर गया। और डॉक्टर उनको मतलब उधर सोनोग्राफी करा निकले जिधर जाने का उधर पूछ के आया, उन्होंने बोला कल सुबह मॉर्निंग में आने का खाली पेट सोनोग्राफी होएंगे उनका बिन खाए पिए, क्योंकि उनका जो खाली पिए जैसे खाएंगे कुछ ये करेंगे तो ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा दुखड़ा पेट। मेरे सास पुखते होता भी वो मेरा एक गोली ना बंद कर दी थी, देख लो आप लोग को, ये देखिए ये वाला गोली जो है ना ये बंद कर दी थी, बहुत दिन हो गया था, 15-20 दिन का ऊपर हो गया था वो गोली नहीं खा, वो गोली 15-20 दिन को ऊपर नहीं खा रही थी। इसके लिए मेरे को अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग गया, मतलब थोड़ा भी चलो ना तो इतनी सांस पूरी है, बात करो सांस पकड़िए बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसके लिए तो वो गोली पिलाई खाना चालू की, तो मेडिकल वाला को पूछी, वो बोला वो गोली आपको खाना ज़रूरी है, वो आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका दम उम लग के अलावा सांस ज़्यादा फूकता है चक्कर आना, इसके लिए वो गोली मूँगी उंगी पैर में मूँग पकड़ते नहीं क्या झनझन करते, इसके लिए तो चालू कर ली, हो गया खाना भी हो गया हम लोग का, आज का खाना बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग भी ऐसा खाना बना के खा के देखने का, हमेशा चिकन सालन अच्छा नहीं लगता है, ऐसा चिकन फ्राई करने का, चिकन फ्राई मसला नहीं रहेगा ना तो भी चलेगा, आप लोग अदरक लहसुन हरा मिर्ची जीरा तीनों को ये चारों को ना एक साथ में मिक्सर में पीस लेने का, जीरा अखा जीरा डालने का, उसको चारों को मिक्सर में पीस लेने का, हाँ, फिर उसको चिकन में डालने का, उसमें नमक डालने का, हाँ, और काला मिर्ची पाउडर डालने का, तीखा मिर्ची पाउडर डालने का, क्या बना रही हो चिकन फ्राई का बोल रही हूँ, और ये बाल मिर्च और काला मिर्च की पाउडर डालने का, ये कोई बताएगा कैमरा में क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो इतना डल डल आ रही है, ये पीछे का दीवार, और वो सब में ये गांड के मिक्स करके उसको रख देने का, और बाद में जब फ्राई करने का टाइम आएगा ऐसे ही फ्राई करने का, नहीं तो उसमें थोड़ा एड़ा रूट की पाउडर डाल देने का, जैसे उसका ऊपर मसाला जैसे चिपक जाए पूरा चिकन का साथ, और उसको फ्राई पैन में फ्राई करने का, डीप तेल में नहीं, एकदम डीप फ्राई नहीं करने का, फ्राई पैन में थोड़ा तेल डालने का, उसमें फ्राई करने का, तो उसको टेस्टी लगता है, उसमें जमते, और ढक ढक के फ्राई करने का, जैसे मैं ढक ढक के फ्राई करती हूँ वैसा, कैसा बना था यम्मी, ये तो खाली चिकन फ्राई खाया है, अरे नहीं बहुत सही बना, चिकन फ्राई ऐसी कदर दाल चावल नहीं खाया, और चिकन फ्राई का साथ ऐसा ही मसाला वाला डाल बनाने का, एकदम जम जाएगा, लोग बोलेंगे कि दो छुड़ैल कैसे आ गई बाल, और उसका साथ आप लोग का अगर कांदा खाते हो तो कांदा नींबू काकड़ी ले लेने का, तो उसका उसका पूरा एकदम सोने में सुहागा हो जाएगा, उसका टेस्ट ही और भी दुगना हो जाएगा, ऐसा है अगर ये करेंगे तो, जैसा मैं कि आज जैसा मैं दाल बनाए वैसे ही बनाने का, खा के एक बार आप लोग देखने का फिर बोलेंगे, उसका टेस्ट ही अलग है, उसका टेस्ट सबसे अलग है, हम लोग का सबका हो गया, अब जा रो सोने, थोड़ी देर सो जाओ, अभी टाइम कितना हो गया मैंने 4:40 हो गया, थोड़ी देर सो जाओ फिर उठेंगे, फिर शाम को जाएंगे, मैं पैर रखती हूँ ना जो डब्बा टूट गया मेरा वो हिस्सा डब्बा लेके आने का, बेडरूम के लिए एक घड़ी लेके आने का, हस्बैंड बोला बेडरूम के लिए एक घड़ी ले कर और डब्बा लेके आएंगे, ये दोनों चीज़ लेके आएंगे, और कुछ नहीं बस, और भाजी उजी तो है ही सब है, और कुछ नहीं, और हस्बैंड को
कल सुबह यानी कि उसका एक्सरे करा क्या मम्मा मेरी बाला सूखा ही नहीं और डाब शैम्पू से शैम्पू करो ना तो बाल एकदम मुलायम रहते हैं पूरा सूखने के बाद पूरा सिल्की सिल्की हो जाता है ऐसा है। आप लोगों में एक दिन मेरा पूरा हेयर ये देखाएंगे और मैं कभी छोटी नहीं डालती सबसे बड़ी बात मैं बताओ मेरी बाल इतनी बड़ी है कमर का नीचे तक मेरी बाल है आप लोग को बताए पूरा नीचे तक कमर का बहुत नीचे तक मेरी बाल है लेकिन मैं कभी चोटी नहीं डालती हूँ। आप लोग गौर करने का आप लोग बोलेंगे नहीं आप रात को भी चोटी डाल के शायद सोते रहोगे इसके लिए इतना बड़ा बाल है। मैं कभी नहीं रात को भी मैं चोटी नहीं डालती क्योंकि मेरे को चोटी डालने का जमता ही नहीं मेरा हाथ बहुत दुखता है पीछे आधा करेंगे फिर घुमा के जैसे ही चोटी डालेंगे ना बाद में चोटी पीछे करेंगे ना तो टेढ़ा हो जाता है चोटी टेढ़ा लगता है इसके लिए मेरे से नहीं जमता अगर ऐसा पीछे सीधा करके चोटी डालेंगे तो कोई डाल के दिया वो बात अलग है और मैं चोटी नहीं डालती बाल में मेरी बाल की राज आज आप लोग को बता दे रूँ मेरी बाल ऐसी कैसी बड़ी है और कैसा बड़ा होता है उसको मैं चोटी नहीं डालती और तेल में अभी जैसे बाल सूख जाएंगे ना मैं शाम को या रात को कभी भी खोबरे का पैरासूट का तेल या कौन सा भी तेल जो आप इस्तेमाल करते हैं सिर के लिए वो तेल ज़्यादा से ज़्यादा ना नेचुरल तेल इस्तेमाल करने का ये जो बात आता है बादाम तेल ये तेल वो तेल वो सबसे अच्छा नेचुरल तेल नेचुरल बोले तो कोकोनट ऑयल वो नेचुरल रहता है वो उसको आप ला के रख देने का देखने का वो अगर जम गया तो समझ जाने का वो नेचुरल है उसमें कुछ केमिकल मिला हुआ नहीं है जो तेल में केमिकल मिला हुआ रहेगा ना वो तेल कभी जमता नहीं है ये बात ख्याल रखने बात ध्यान में रखने का वो कभी जमेगा नहीं कितना भी ठंडी आने दीजिए अभी देखने का ठंडी आएंगे ना जैसे जैसे मेरा जो तेल है कोकोनट का वो जम जाएगा तो ही तेल लगा तुम रात को या कभी भी तेल लगा लेते और इधर एक चोटी मतलब रबट लगा के बाल को चोटी बनती ऐसे ही फिर जो खुला बाल रहते रबट लगा ले तो इधर लगा के फिर पूरा बाकी बाल को घुमा के ऐसा करके क्लिप लगा ले तू और मेरा 12 महीना वैसा ही रहता है मैं वैसे ही भावे बाल बनाती हूँ और तेल मेरा जो एक बार लगाएंगे फिर बीच में कभी लगाई तो लगाए नहीं तो नहीं मैं ऐसे ही एक ही बार भर के तेल लगा ले तो पूरा हफ्ता जाता है हफ्ते में मैं 2 दिन बाल धोती हूँ लेकिन अभी ठंडी आ रही बोल के हफ्ते में एक ही दिन में बाल धो रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है तो सर्दी पकड़ लेंगे बाल नहीं सूखेंगे तो संडे टू संडे ही मैं बाल धोती हूँ और ठंडी जाने के बाद जैसे ये होंगे गर्मी में एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पानी से धोती हूँ और हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करती हूँ मेरी बाल के ये बता दी आप लोग को राज कैसा मेरा बाल बड़ा हुआ कैसा नहीं बस और इसको बड़ा करने के लिए क्या ये डब्बा खोल के कौन रखा है ऐसा तेरा पापा इसको बड़ा करने में और इसको इतना गोरो करने में सबसे ज़्यादा हाथ मेरा हस्बैंड का है उनका वजह से मैं बाल दोबारा मिला और उनको मेरा बाल बहुत पसंद है इसके लिए मेरे को कभी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाने देते बाल काटने के लिए बाल काटने का रहेगा बोलने का उनको मेरे को बाल काटने का तो उन्होंने जब शैम्पू करके रख दूँगा तेल लगा के तभी उन्होंने मेरा बाल काट के देते नीचे से इतना सी बाल काट के देगा उससे जास्ती नहीं इतना सी बाल खाली नीचे से काट के देंगे बोलेंगे हो गया ऐसे उनका कहने बोलते ज़्यादा नहीं काटने का बहुत ये मेरे को आईब्रो ही बनाने जाने नहीं दे रहा एक दिन जाएंगे चोरी चुप के आईब्रो बना के आएंगे बोलते जैसा है तेरा आईब्रो अच्छा है बनाने का जरूरत पीते हुए पकड़ी गई क्या पी हो एक बार बॉटल कप के मुँह के सामने लेके ये मुँह तो
हमारे लेके खड़ा है। हाँ उसको ही बैठा दे बॉइल करने। चिकन नूडल्स लेके तो चला खा लो। उसके अंदर क्या है मन में गाड़ी देखा रहे कोल्ली बॉक्स देख कैसे वो बोलेगा 786 कैसा हुआ बोलेगा मसाला बहुत खूबसूरत है घड़ी। इसको बेडरूम में लगा क्या इसको ये घड़ी को इसको हॉल किचन में लगा। अच्छा इसको किचन में लगाने का और किचन का बेडरूम में बहुत खूबसूरत है घड़ी। फास्ट ही है का 10 मिनट का ऊपर फास्ट है क्योंकि इसको फास्ट करके उधर रख दो चलेगा थोड़ा फास्ट है। मैं कैसे जाऊंगा जाके तू बेडरूम में ठुकी कर खाने का आईना नहीं होता है। ओके डब्बे लेके मेरा पैर रखने के लिए डब्बा ये मजबूत है डब्बा। अभी तू चढ़ेगी तो भी कुछ भी नहीं होगा तेरे को तो नहीं होता है ना इससे ये करने के लिए।